हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगी इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो टेंस सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए स्पीकिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अंत तक मेरे साथ और सीखेंगे आप आज निगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए, बहुत सिंपल है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हैज हैव का यूज हो रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा था, तो इसके निगेटिव सेंटेंस में भी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें बस नॉट का यूज करना है, ये हम याद रखेंगे। अब देखिए रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव का यूज होगा, फिर नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है सूरज अभी तक नहीं निकला है। देखिए, अभी तक नहीं निकला है, या अगर आपको इसकी जगह और भी सेंटेंस फॉर्म करने हो कि मेरे पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, उसने ये काम नहीं किया है, तो हमें कभी ना कभी घर में ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, वह अभी तक वह सोया नहीं है, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सूरज अभी तक नहीं निकला है, तो सबसे पहले आएगी इंग्लिश द सन। अब आपने देखा कि सन जो है वो सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे हैज का, द सन हैज। अब नहीं दिया गया है वाक्य में तो हम नॉट का यूज कर देंगे। और याद रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप बना रहे हैं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। निकलना की इंग्लिश होती है राइज और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन। अभी तक के लिए हम यूज करेंगे येट, वाई इट येट मीन्स हो गया अभी तक, द सन हैज नॉट राइजन येट, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने पहले कभी शेर नहीं देखा है। याद रखिएगा इसमें दिया गया है कभी नहीं, तो जब सेंटेंस में कभी नहीं यूज होता है तो नॉट का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट नेवर का यूज करते हैं। नेवर खुद एक निगेटिव वर्ड है तो हमें नॉट का यूज नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट, मैंने की इंग्लिश आ जाएगी आई। देखिए आई के साथ हैव का यूज होता है तो हम हैज को नहीं हैव को रखेंगे। आई हैव, कभी नहीं तो नेवर यूज हो जाएगा। याद रखें, कभी भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे। आई हैव नेवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, देखना की होती है सीन, थर्ड फॉर्म यूज हो गई। क्या नहीं देखा है? आई हैव नेवर सीन द लायन बिफोर। आई हैव नेवर सीन द लायन बिफोर, पहले के लिए यूज हो गया बिफोर, बन गया सेंटेंस। ऐसे ही आपको कोई भी सेंटेंस अगर बोलना हो कि मैंने कभी पहले उसका घर नहीं देखा है, मैंने कभी पहले उसका स्कूल नहीं देखा है, तो आप ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीमारी के कारण वह एक माह से स्कूल नहीं गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीमारी के कारण, हम इस शब्द को लास्ट में ले जाएंगे, हम अपना सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे, वह एक माह से स्कूल नहीं गई है, तो वह नहीं गई है लड़की है, हम सी का यूज करेंगे और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का यूज होगा तो हैज आ गया। अब नॉट लगाएंगे, नहीं दिया गया है, सी हैज नॉट, कहाँ नहीं गई है? जाना की इंग्लिश आएगी गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, एस सी एस डबल ओ यूएल स्कूल। कब से नहीं गई है? एक माह से, तो फॉर वन मंथ। अब क्यों नहीं गई है? बीमारी के कारण। तो देखिएगा, कोई भी कारण हो, बीमारी के कारण हो, बुखार के कारण हो, या कोई भी कारण हो, तो हम ड्यू टू का यूज करते हैं, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण है तो हम लगाएंगे ड्यू टू इलनेस, बन गया सेंटेंस। She has not gone to school for one month due to illness.
नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। हमने की इंग्लिश होगी वी, और वी के साथ यूज होता है हैव। वी हैव नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, देखना के लिए आ जाएगा सीन, क्या नहीं देखा है ताजमहल। वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, कब नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा है, तो अभी तक के लिए येट यूज हो जाता है। हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। तो देखा फ्रेंड आपने कितना आसान है इनको इंग्लिश में फॉर्म करना। इसी प्रकार आपने अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मैंने ये अभी तक नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, तो आप ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप सिंपल सा बोलेंगे, आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल टूडे, मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट गॉट रेडी नाउ, मैं अभी तक बाजार नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट येट। और फ्रेंड एक बात को और याद रखिएगा कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम हैव नॉट का यूज ना करके इनको इनके कॉन्ट्रेक्शन वर्ड को ज्यादा यूज करें तो बेटर रहेगा। हैजंट, हैवंट ऐसे बोलते हैं। जैसे सूरज अभी तक नहीं निकला है तो हम इसको बोल सकते हैं द सन हैजंट राइजन येट। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये इंफॉर्मेशन आपके अलावा औरों तक भी पहुंच सके। अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिएगा कैसे बनते हैं ये सेंटेंस। इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा हैज या हैव से। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया गया है तो आपका रूल यहां से स्टार्ट होगा हैज या हैव से। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है तो आपका रूल यहां से स्टार्ट होगा, इसको याद रखें। नेक्स्ट उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में नॉट है तो उसका यूज हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर आप ये रूल ध्यान से माइंड कर लेते हैं तो सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हैज या हैव से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब हम हैव लगाएंगे, हैव लगाएं तो ये हम सब्जेक्ट से देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वे दिया गया है तो इसके साथ हैव आता है तो हम सबसे पहले हैव का यूज करेंगे, हैव, फिर आ जाएगा दे। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, लिखना था हमने दे को लिख दिया, अब लिखेंगे स्कूल से अभी अभी आए हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी अभी दिया गया है तो इसलिए जो अभी अभी को इंग्लिश में कहते हैं जस्ट, इसलिए हम इसको पहले यूज करेंगे, जस्ट हमेशा वर्ब से पहले आ जाता है। तो हैव दे जस्ट कम फ्रॉम स्कूल से, तो यूज होगा फ्रॉम स्कूल। याद रखिएगा अगर यहाँ पे अभी अभी नहीं दिया गया होता तो हमारा सेंटेंस बनता Have they come from school? क्या वे स्कूल से आए हैं? लेकिन अभी अभी दिया गया है तो हम बोलेंगे Have they just come from school? क्या वो ऑफिस से अभी अभी आए हैं? तो Have they just come from office? ऐसे सेंटेंस बना देते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोहन ने अभी तक होमवर्क क्यों नहीं किया है? अब ध्यान दीजिएगा ये इंट्रोगेटिव भी है और प्लस निगेटिव भी है, तो कैसे बनाएंगे इसको? और इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है तो सबसे पहले वाई आ जाएगा, वाई। नेक्स्ट हैज या हैव का यूज करेंगे तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का यूज होगा, व्हाई हैज रोहन। अब इसमें नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, व्हाई हैज रोहन नॉट, क्यों नहीं किया है, डन। करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई डन, उसके बाद आ जाएगा डन होमवर्क। अभी तक नहीं किया है तो अभी तक के लिए हो जाएगा येट और क्वेश्चन मार्क। तो देखा फ्रेंड आपने बन गया सेंटेंस, व्हाई हैज रोहन नॉट डन होमवर्क येट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुमने पहले कभी यह मूवी देखी है? क्या पहले तुम आगरा गए हो? क्या तुमने पहले कभी ये सब्जी खाई है? तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हैज या हैव यूज होगा क्योंकि क्या की इंग्लिश तो आएगी नहीं। अब हम लगाएंगे हैव को क्योंकि यू जो है प्लूरल है। अब सब्जेक्ट आ गया, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट का यूज हो गया। एक बात और याद रखेंगे, इसमें यूज हुआ है कभी का, तो हम तुरंत यू के बाद एवर का यूज करेंगे। कभी नहीं के लिए नेवर आता है और कभी के लिए एवर आता है। तो हैव यू एवर, याद रखें जस्ट और एवर अगर सेंटेंस में यूज करना है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैव यू एवर सीन दिस मूवी। यह मूवी के लिए हो जाएगा दिस मूवी। अब दिया गया है पहले तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बिफोर। हैव यू एवर सीन दिस मूवी बिफोर, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं तुमने अब तक कितने पाठ पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी कितने या कितना करके जो शब्द आते हैं तो कितने पाठ, ये शब्द जो है साथ में ही यूज होगा। कितने पाठ है तो हाउ मैनी लेसन्स, हाउ मैनी लेसन्स तुमने, तो इसके लिए हैव का यूज होगा। हैव यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हमने हैव का यूज किया, फिर यू आ गया। अब पढ़ना की इंग्लिश होती रीड, थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड ही होती है। अब तक के लिए यूज कर देंगे सो फार और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या बना सेंटेंस, हाउ मैनी लेसन्स हैव यू रीड सो फार, तुमने अब तक कितने पाठ पढ़े हैं, बन गया सेंटेंस। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान होता है, अगर ये रूल आप अच्छे से माइंड कर लेते हैं तो सारे सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग आराम से बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें इंग्लिश में स्पीक आउट करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि सब पढ़ें।